नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कैसे आप अपना इग्नू आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से इग्नू आईडी कार्ड को डाउनलोड करेंगे बड़ी ही आसानी से घर बैठे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से अपना इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, जिसको इग्नू आईडी कार्ड बोलते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे अपना इग्नू आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर सर्च बार में सर्च करना, यहां पर आपको सर्च करना इग्नू IGNOU, यहां पर आपको इग्नू लिख के सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पर आपको इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबसे ऊपर देखने मिल जाएगा, www.ignu.ac.in। बस क्या करना, सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। यहां पे आने के बाद क्या करना, आप थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आएंगे यहां पर, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा थ्री लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं। बस क्या करना, सिंपली आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर ऑनलाइन, यहाँ पर देखने मिलेगा आपको रजिस्टर ऑनलाइन। बस क्या करना, आपको इस रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इग्नू आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पर देखने मिलेगा फ्रेश एडमिशन। बस क्या करना, आपको इस फ्रेश एडमिशन पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस तरह से शो करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा साइन इन। बस क्या करना, आपको इस साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इंटर रजिस्टर्ड यूजर नेम। इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपना यूजर नेम फिलअप करेंगे। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए होंगे यानी एडमिशन किए होंगे, तब वो आपको वहां पे एक यूजर नेम मिला होगा, यानी यूजर नेम बनाने का मौका मिला होगा। तो वहां पे आप जो यूजर नेम बनाए होंगे उस यूजर नेम को यहां पे फिलअप करेंगे और आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा एडमिशन के टाइम, यहां पे क्या करेंगे, उस पासवर्ड को यहां पे सही सही फिलअप करेंगे। अगर आप अपना यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं, बाय द वे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ऑनलाइन तो एडमिशन करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसको कैसे आपको पता करना, कैसे रिकवर करेंगे। तो यहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता करने के लिए सिंपली यहां पे आपको नीचे दिया गया है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहां पे आपको देखने मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, इसमें क्लिक करना है। अगर आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं तो यहां पे देखने मिलेगा फॉरगेट यूजर नेम। बस क्या करेंगे, सिंपली फॉरगेट यूजर नेम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना क्या करना, कंट्रोल नंबर, यहाँ पे इस बॉक्स में कंट्रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना कैप्चा डाल के सेंड करेंगे तो आपका जो यूजर नेम होगा यहाँ पे आपका यूजर नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर कंट्रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। तो आपको जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे एडमिशन के लिए, तो आपको वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका कंट्रोल नंबर लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आपका कंट्रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है, तो यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड को सही सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने मिलेगा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करना है। अगर आपको यहाँ पे कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे अपना कैप्चा को रिफ्रेश करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस कैप्चा में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कैप्चा चेंज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कैप्चा समझ में आता तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कैप्चा चेंज हो जाएगा, उस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा लॉगिन। बस क्या करना, सिंपली आपको इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे आपको देखने मिलेगा माई एप्लीकेशंस। बस क्या करना, सिंपली आपको माई एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको
नीचे आना है। जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका कंट्रोल नंबर, और उसी के नीचे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इनरोलमेंट नंबर। इस इनरोलमेंट नंबर को आपको कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यही आपका पासवर्ड में काम आएगा। जब भी आप अपना PDF को ओपन करेंगे, यानी अपना ID कार्ड को ओपन करेंगे, तो वहाँ पर आपका पासवर्ड को मांगा जाएगा पासवर्ड, क्योंकि वो प्रोफाइल यानी पासवर्ड प्रोटेक्टर होता है आपका ID कार्ड, वहाँ पर आपको पासवर्ड को फिलअप करना होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इस इनरोलमेंट नंबर को आप कॉपी करके, या तो क्या करेंगे इसको आप नोट डाउन करके रख लेंगे। उसके बाद क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा, क्योंकि पर्सनल डेटा है मेरा, इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ID कार्ड का डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मेरा जो ग्रीन कलर का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का एक ऑप्शन। बस क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ID कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, डाउनलोड में क्लिक करेंगे। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो होगा ID कार्ड का यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ID कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे देखेंगे दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी मेरा जो ID कार्ड है यानी फाइल से यानी जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। इसको ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। जो भी आप इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे मिला होगा, उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओपन। बस क्या करना है, सिंपली आपको इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं गाइस मेरा यहाँ पे मेरा आप ID कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो मेरा इग्नू का ID कार्ड इस तरह से देखने को मिल रहा है। इस ID कार्ड को क्या करेंगे, सिंपली आप किसी भी कैफे में जाएंगे, साइबर कैफे में, इसको प्रिंट करा लेना है गाइस। इसको आपको कलर में ही प्रिंट कराना है, जिस तरह से देखने मिल रहा है इसी तरह आपको कलर में प्रिंट कराना है, और प्रिंट करा के इसको लेमिनेट कर लेना है, क्योंकि यही ID कार्ड आपका एग्जाम के समय काम आएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी ID कार्ड को वहां पे आपको लेके जाना होगा, तब आपको यहां पे एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया जाएगा। यानी अब विदाउट इस ID कार्ड को, यानी आप ID कार्ड के लेके नहीं जाएंगे तो आपका वहां पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस ID कार्ड को क्या करेंगे, सिंपली आपको कलर में प्रिंट करना और लेमिनेट कर लेना है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से इस तरह से आप अपना इग्नू ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर मेरा ID कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? तो गाइस उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो सेशन है वो पुराना होता है, और यहाँ पे आप डाउनलोड करते नए तरीके से। तो उसका अपना अगर आपका सेशन 2021 है, 2020 है, 2019 है, अगर आप 2022 है और जनवरी मंथ है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसका भी सॉल्यूशन है गाइस। अगर आप अपना ID कार्ड यानी आप पुराना सेशन आते हैं जैसे 19 या 20, 21 और 22 जनवरी का आते हैं, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है गाइस, मैं आपको यहां पे वो भी बताता हूं। सिंपली मैं यहां पे बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद गाइस क्या करना है, आपको अपना जो इग्नू वेबसाइट में यहां पे आने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पे नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे अगर आपका सेशन पुराना है यानी आपका 2019 है, 20 है, तो उस सेशन का डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहां पे आपको देखने मिलेगा प्रीव्यूज एडमिशन पोर्टल। बस क्या करना, आपको प्रीव्यूज एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको यहां पे आपको देखने मिल जाएगा, अगर आप 2020 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको देखने मिलेगा ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट लिंक बिफोर जनवरी 2020, उसके बाद यहां पे जनवरी 2020, जुलाई 2020, जुलाई 2021, जनवरी 2021, जुलाई ओपन, उसके बाद यहां पे आपको जो भी डाउनलोड करना, जैसे 2020 जनवरी ओपन, यानी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना। अगर आपका सेशन पुराना है, ओल्ड है, प्रीव्यूज ईयर का है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डाउनलोड करना है। अगर आपका सेशन नया है, 2022 है, 2023 है, तो आप यहाँ से आपको जैसे मैं बताया हूँ उस तरह से आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से इग्नू ID कार्ड को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।